जो मईशत को ठीक और महंगाई कम करने आए थे, उन्होंने आज पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। 10 अप्रैल से पहले मईशत 2 साल से टेक ऑफ पर थी, फिर रिजीम चेंज ने सब कुछ क्रैश कर दिया। 9 अप्रैल को जो डॉलर 182 रुपए पर था, वो आज 225 रुपए से भी ऊपर चला गया। 6,850 बिलियन का नया डेट खड़ा हो गया। रुपी की जो डिप्रिसिएशन है उसका 5,200 बिलियन का है। तो कहा हुआ है कि हम 855 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे इस साल। अभी तक तो उसमें इन्होंने 17% टैक्स नहीं लगाया, सेल्स टैक्स। तो माने मतलब ही नहीं होने लगा ये महंगाई का, अभी जारी रहेगा। 100 दिन में पाकिस्तान का कर्जा 15.5% बढ़ चुका है। 9 अप्रैल को 12.25% महंगाई की शरह को कोसने वालों ने आज उसे 21.50 की शरह पर पहुंचा दिया। खाने पीने की चीजें 33% महंगी हो चुकी हैं। 14 जुलाई को इदारा शुमारियात के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक डीजल 141.46 और पेट्रोल 119.61% महंगा हो चुका। प्याज 90%, चिकन 52, दाल मसूर 89, वनस्पति घी 78, कुकिंग ऑयल 73, लहसुन 40, वॉशिंग सोप 60 और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 100 दिन में 40% तक इजाफा हो चुका है। शोर मचा दिया कि जी वो फिस्कल डेफिसिट 10% हो गया जीडीपी का। तो ये जब शोर मचाया तो मार्केट पैनिक कर गई। अगर डॉलर शॉर्ट होने वाले हैं तो उन्होंने जो डॉलर पे जोर आ गया, उन्होंने कहा जनाब ये तो बहुत नोट छापेंगे बिकॉज फिस्कल डेफिसिट जो इतना है, तो उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। उस सारी चीज से इन्फ्लेशन जो है वो बेलगाम हो गई। 9 अप्रैल को स्टॉक मार्केट 46,400 इंडेक्स पर थी, जो आज 40,400 पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है। यानी 100 दिन में 100 इंडेक्स के 6,000 पॉइंट गिर गए। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वालों के खरबों रुपए डूब गए। 2 दिन के बीच में डिजास्टर हो गया। वो पंजाब के इलेक्शन के बाद 5 से 6 हफ्ते के आपके पास रह गए नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। डिफॉल्ट जो है वो ये लोग होने नहीं देंगे। ये आपको एच पे रखेगी, कुछ जगह पे लेके आएंगे जिसमे उन्होंने आपसे जो चीजें करवानी है, या अड्डे होंगे, या बेसिकली इसराइल को रिकॉग्नाइज करवाना है, या आपको बिठा देना है हिंदुस्तान की गोद में। ARY के प्रेम पावर प्ले में गुफ्तगू में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं आज जो कुछ हो रहा है मुल्क चलाने वालों को इस पर गौर करना होगा, फौरी एक्शन लेना होगा। इकोनॉमिक जो आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे उससे नहीं रुकेगा ये, बिकॉज एज ऑफ नाउ दे हैव कम टू नॉट। द ओनली थिंग व्हिच इज काउंटिंग इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और उसको आपने खत्म करना है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखते हैं,